हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई विश अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं प्रीति। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं अमेजिंग सा DIY होममेड हेयर मास्क, जो कि उन लोगों के लिए मैजिकली वर्क करेगा जो अपनी हेयर प्रॉब्लम से परेशान है। जिन लोगों को यू नो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, जिनके बालों में गंजा बन गया यानी बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं। तीसरा, जिन लोगों की बहुत ज्यादा ड्राई बाल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रिजीनेस बालों में आ रही है। सो ये जो रेमेडी है आप लोगों के लिए मैजिकली वर्क करेगी जिन लोगों को भी ये हेयर प्रॉब्लम है। तो ये फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनाना है। 100% नेचुरल है और 100% इफेक्टिव है गाइस। अगर आप इसे यूज करते हैं कंटिन्यूसली, ऑनेस्टली आप इसे यूज करेंगे, आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है 100% मैं गारंटी देती हूँ पहले ही यूज से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी के यूज तो आप करते रहेंगे, ठीक है? तो आपने इसे एक बार जरूर ट्राई करना है और ट्राई तभी तो करेंगे जब आप इसे आगे देखेंगे, ठीक है? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे बनाना है और इसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन देखेंगे आगे बढ़ने से पहले प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, ठीक है? और वीडियो को एक लाइक कीजिए और बहुत सारे फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर कीजिए। शेयर करना आप भूल जाते तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपने व्हाट्सअप, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन सब में आप इसे शेयर करिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही। यहाँ पे मैंने आधा कटोरा दही लिया हुआ है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है? 5 बड़े चम्मच ऑयल, सरसों का ऑयल ले सकते हैं या ऑलिव ऑयल, दो ऑयल सबसे बेस्ट है आपके बालों के लिए। एक प्याज लिया है, इसको मिक्सी में पीस के मैं छन्नी की हेल्प से इसका रस निकालूंगी, ठीक है? 5 से 6 बड़े चम्मच आपको प्याज का रस चाहिए। दही जो है बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही जो है बहुत ही ज्यादा मैजिकली वर्क करती है आपके हेयर में। सबसे पहले तो आपके हेयर को बहुत अच्छा साइन देती है, साथ ही आपके बालों को अच्छे से कंडीशनिंग करती है और आपके हेयर में जो भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसे दूर करती है, आपको आपका हेयर फॉल होने से भी रोकती है। 5 बड़े चम्मच इसमें मैंने ऐड करे है प्याज का रस। प्याज के रस में सल्फर होता है जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है, आपके बालों की ग्रोथ को लाता है। जिन लोगों में गंजापन आ गया है उनके लिए ये मैजिकली वर्क करेगा, आपके बालों की ग्रोथ आएगी, बालों को लंबा करेगा, साथ ही आपके इसमें जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके बालों में जो भी फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, इचिंग हो रही है स्कैल्प में, उन सबको दूर करेगा। इसमें ऐड करा है ऑयल, 5 से 6 चम्मच ऑयल है और इन्हें ऐड कर लिया है। अच्छे से इसे फेंटना है। ऑयल जो है आपके बालों को, ऑयल के तो बहुत सारे बेनिफिट है, फ्रिजीनेस दूर करेगा, आपके बालों की ड्राइनेस दूर करेगा। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है सब आपके बालों के लिए, 3 इंग्रेडिएंट है बहुत इजीली, और ये तीनों इंग्रेडिएंट आपके बाल के लिए रामबाण इलाज है, ठीक है? आपके हेयर की जो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा फ्रिजीनेस हो जाती है, जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, गिर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मास्क है। इसे बनाइए आप इस तरीके से पेस्ट करके, हल्का पतला भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराने कपड़े पहन के इसे अपने बालों में लगा लीजिए। और अब आपने सबसे पहले अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लेना है, उसके बाद अपने बालों की जड़ों में अच्छे से इसे अप्लाई करना है। इस मास्क को बालों की स्कैल्प से लेके जड़ों से लेके अपने बालों की लेंथ तक इसे अच्छे से लगाइए। जहां पे आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है वहां पे लगा लीजिए। कोई भी पुरानी टी शर्ट पहन लीजिए, कुछ भी पहन लीजिए, ताकि आपके जो है कपड़े खराब ना हो, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विडी बनेगा क्योंकि इसमें मैंने ऐड किया है प्याज का रस, ठीक है? तो इस तरीके से अच्छे से अपने बालों की जड़ों में, स्कैल्प में इसे अप्लाई कर लीजिए, अपनी जो बालों की लेंथ है उसमें कर लीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं तो जो मैंने क्वांटिटी बताई है उसे आप डबल कर लीजिए और अच्छे से अपने ऑल ओवर हेयर पे, बालों पे इसे अप्लाई कर लेना है। 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज कर लीजिए अपनी जड़ों में बालों की, और आपको हल्का सा इसमें अनियन का स्मेल लगेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अगर आप दवाई खाते हैं उसमें भी आपको स्मेल आता है, तो अगर आप अपने बालों की सलामती चाहते हैं तो इस स्मेल को बर्दाश्त कर लीजिए। 30 मिनट रखे बालों में, उसके बाद वॉश कर लीजिए, शैम्पू कर लीजिए, अच्छे से बालों में कंडीशनर अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आपके बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो मैं इसे 30 मिनट रखूंगी, उसके बाद आपके साथ आती हूं। हेयर वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं आपके हेयर बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। मैंने इसे यूज किया था आज और उसके बाद मैंने मेकअप किया, वीडियो शूट किया, ठीक है? इस मास्क को मैंने पूरा आधा घंटा रखा, उसके बाद अपने हेयर को अच्छे से वॉश किया, हेयर वॉश करने के बाद हेयर को ड्राई किया और उसके बाद मैंने मेकअप किया, वीडियो शूट किया। अगर आपको इस मेकअप की वीडियो देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लॉगर प्रीति करके जाइए और फटाफट से वहां पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए, ठीक है? तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो इस हेयर मास्क को लगाने के लिए या बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने देख लिया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। 3 इंग्रेडिएंट आपने मिक्स करने होते हैं, उसके बाद अपने हेयर पे अप्लाई कर लेना होता है, ठीक है?
बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा है। मैं अपनी रेमेडी में आपको बहुत ज्यादा अगड़म सगड़म नहीं बताती हूँ, बहुत सिंपल सी चीजें मैं बहुत कम चीजें बताती हूँ और जो 100% नेचुरल होती हैं और जिनका इफेक्ट भी 100% आता है, वही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस मास्क को लगाने के लिए आपने कोई दिन बार नहीं सोचना है। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं, जिस दिन भी, उस दिन आप आधे घंटा पहले अगर ऑयलिंग करते हैं तो आपने सिंपली ऑयलिंग नहीं करनी है। इन तीनों चीजों को मिक्स करके आपने मास्क बना लेना है और इसे अप्लाई करना है। 30 मिनट रखे, उसके बाद वॉश कर लीजिए, ठीक। इस मास्क के मैंने सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज ऐड करी है वो है अनियन जूस। अनियन जूस जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। जिन लोगों के इस साइड यहाँ गंजापन आ गया है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है अनियन जूस। तो आपने इसे जरूर जरूर डालना है, जरूर ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आप इसे कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको एक मैजिकली डिफरेंस अपने हेयर में देखने को मिलेगा। यू नो, मार्केट में बहुत ज्यादा अनियन शैम्पू, अनियन कंडीशनर बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। उनमें कुछ ना कुछ केमिकल तो मिला रहता होगा, है ना। लेकिन जो आप घर का अपना अनियन का जूस निकालते हैं ना, वो 100% नेचुरल होता है, ठीक है। उसमें तो आप कुछ नहीं मिला रहे ना, तो इसलिए नेचुरल चीजें यूज कीजिए और अपनी स्किन, अपने हेयर को यू नो हेल्थी रखिए, अच्छा रखिए। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं स्किन पे रेडीमेड चीजें लगा लेती हूँ जब मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो वैसे मैं नेचुरल चीजें ही यूज करती हूँ, बट जब मुझे नहीं लगता है, थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, तो मैं मतलब रेडीमेड चीजें यूज कर लेती हूँ। लेकिन हेयर के मामले में मैं बिल्कुल भी बाहर की चीजें नहीं लगाती। मैं ऑयल भी सरसों का या ऑलिव ऑयल लगाती हूँ। दूसरा, अपना मास्क मैं हमेशा यू नो कोई भी मार्केट का हेयर स्पा वगैरह यूज नहीं करती हूँ। सिंपली मैं घर पे बनाती हूँ, दही वगैरह मिक्स करके, और वही लगाती हूँ। मेरे हेयर बहुत अच्छे हैं। जब मेरी बेटी हुई थी प्रीशा, उस टाइम बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए होंगे, उस वजह से मेरे हेयर फॉल हुआ था, लेकिन काफ़ी हुआ था। उससे मेरे हेयर जो है हल्के हो गए थे। लेकिन मैंने जो ये मास्क इसे कंटिन्यूसली लगाया है, इसका मुझे रिजल्ट मिला है, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने कंटिन्यूसली लगाया और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड करी है, सिंपली 3 चीज़ें ऐड करी हैं जो कि आपके बालों के लिए इनफ होती हैं और जो कि आपको इनफ रिजल्ट देती हैं, अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप करूँ उसके बाद अपने हेयर पे, क्योंकि बच्चे को भी संभालना होता है, वीडियोज एडिट करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उस टाइम बहुत आलस रहता। तो मैंने फटाफट यही रेमेडी बनाती थी, अपने हेयर पे अप्लाई करती थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। मेरा ये साइड पूरा गंजा हो गया था, मतलब बहुत लाइट हेयर हो गए थे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। मेरे बहुत छोटे 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 बाल उगने शुरू हो गए थे। बीच में प्रॉब्लम हुई क्योंकि जब मैं मांग निकालती तो बाल खड़े हो जाते थे, लेकिन अब वो प्रॉपरली ठीक हो गए हैं, अपने एक लेवल में आ गए। तो अगर आपको भी यू नो गंजापन है, आप भी परेशान है अपने हल्के लाइट हेयर से, तो आपने इस रेमेडी को जरूर यूज करना है, ठीक है। दूसरा जो है, थोड़ा पेशेंस रखना है। जब आप नेचुरल चीजें यूज करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा पहले भरोसा रखना होता है, दूसरा आपने थोड़ा सा इंतजार करना होता है। सब्र बहुत बड़ी चीज है। जिस इंसान के पास सब्र है उसके पास सब कुछ है। तो थोड़ा सा आपने सब्र रखना होता है, उसके बाद ही आपको यू नो रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन लगाया, आप बोल रहे हैं यार कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको महीना तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपने लगाना है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, बस 3 चीज़ें आपको ऐड करनी जो कि इजीली सबके घर पे होती हैं। नहाने से 25-30 मिनट पहले लगा लीजिए, उसके बाद अपना घर का सारा काम कीजिए। जब भी आपको नहाना हो फटाफट से नहा लीजिए, जहाँ भी जाना है, ऑफिस जाना है, हाउसवाइफ है, कुछ भी करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो यू नो जो आपको बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, वो झंझट नहीं है। आपको बस टाइम पे आपको वो चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। यू नो अपनी रूटीन में इंक्लूड करनी होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपनी स्किन केयर कर रहे हैं, हेयर केयर कर रहे हैं, साथ में अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रेमेडी को आपने अच्छे रिजल्ट के लिए हफ्ते में 2 बार तो जरूर ट्राई करना है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार या 3 बार हर कोई हेयर वॉश करता है और करना भी चाहिए, ठीक है। तभी आपकी स्कैल्प क्लीन रहेगी, अच्छी रहेगी, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने हेयर को साफ रखिए, साफ सुथरा रखिए, और ताकि हेयर को साफ सुथरा रखिए। मैं ये नहीं बोलती कि हर दिन अपने हेयर को वॉश कीजिए, लेकिन एक एक दिन छोड़ के हेयर वॉश करना जरूरी है। कम से कम वीक में 3 डेज हेयर वॉश करना ही होता है। उस टाइम आपने ये हेयर मास्क अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। आपके बाल बहुत अच्छे यू नो हो जाएंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, बाल सॉफ्ट होंगे, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे, साथ ही जो फ्रिजीनेस है, जो ड्राइनेस है, जो डेड हेयर है, वो सारे हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सिंपल सी रेमेडी के इतने सारे बेनिफिट हैं, इसे ट्राई कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। सो आज के लिए रखते ही इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, हेल्थी रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मास्क लगाना ना भूलें प्लीज़। कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं, मास्क लगाइए और कोरोना को भगाइए। बाय बाय गाइस।